ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। 8 साल पुरानी यारी है मेरा, आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे। क्या लगातार हो रही फ्लॉप फिल्मों की वजह से टाइगर को घटानी पड़ी अपनी फीस? क्या गणपत चैप्टर 1 से एक बार फिर से वापसी लेंगे टाइगर? क्या बॉक्स ऑफिस पर होगी टाइगर की दहाड़? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मौलिकराज स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, कई स्टार्स की तरह टाइगर श्रॉफ के करियर को भी कोविड का बहुत बड़ा झटका लगा था। उनकी आखिरी फिल्म हीरोपंती 2 पूरी तरह से डिजास्टर निकली। फिल्म को ऑडियंस और साथ ही क्रिटिक्स ने खारिज कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, टाइगर ने वॉर और बाकी फिल्मों की सक्सेस के बाद महामारी से पहले अपनी फीस बढ़ा दी थी। अब मेकर्स ने टाइगर को अपनी फीस 50% तक कम करने को कह दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स का कहना है कि अब टाइगर को 17 से 20 करोड़ की लिमिट में ही पैसा चार्ज करना होगा, जैसा कि हम चाहते। और दोस्तों, आजकल आपको पता ही है बॉलीवुड में क्राइसिस चल रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड भी ट्रेंड कर रहा है, जो फिल्मों को नेगेटिव रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में मेकर्स को लग रहा है कि टाइगर श्रॉफ को इतनी ज्यादा फीस देना बेईमानी होगा। ऐसा लगता है कि टाइगर श्रॉफ भी समझ गए हैं और उन्होंने अपनी फीस घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी है। एक ट्रेड सोर्स ने बॉलीवुड हंगामा को बताया कि अक्षय कुमार और अली अब्बास जफर ने भी अपनी फीस कम कर दी है। टाइगर श्रॉफ फिल्म के लिए जैकी भगनानी और वासु भगनानी के सपोर्ट में है। ट्रेड सोर्स की माने तो टाइगर फिल्मों को साइन करने के लिए काफ़ी स्लो भी हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फिल्में हैं और फिल्म मेकर हैं वो जो बजट टाइगर को ऑफर कर रहे हैं वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ ने गणपत के लिए 35 करोड़, बड़े मियां छोटे मियां के लिए 45 करोड़ रुपए चार्ज किए। यहाँ तक कि करण जौहर के साथ उनकी फिल्म स्क्रू ढीला भी फीस के मामले में बहुत ज़्यादा है और 35 करोड़ रुपए टाइगर ने लिए। ये इसीलिए क्योंकि टाइगर को एक बैंकेबल स्टार के तौर पर देखा जाता है। उनके एक्शन सीन्स और डांस के लाखों करोड़ों दीवाने हैं, साथ ही ऑडियंस उनकी फिल्मों को हाथों हाथ ले भी देती है। टाइगर श्रॉफ के साथ बाकी मेकर्स भी फीस को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अब वो आमतौर पर 17 से 25 करोड़ रुपए ही चार्ज कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इंडस्ट्री में वापसी करने के लिए सिर्फ एक हिट की ज़रूरत है। उनका कहना है, एक हिट और टाइगर फिर से दहाड़ेगा। इंडस्ट्री को टाइगर जिंदा है का एहसास होने में कुछ ही टाइम बाकी है। जैसे जैसे फिल्में आती जाएंगी ये सब नॉर्मल होता जाएगा और बॉलीवुड में हर कोई मंदी और लो पीरियड से जूझ रहा है, ये जल्द ही खत्म होगा। वहीं दोस्तों, हाल ही में टाइगर श्रॉफ तब चर्चा में आए थे जब दिशा पाटनी के साथ उनका ब्रेकअप हो गया था। हर तरफ इसी की चर्चा थी। हालांकि दिशा और टाइगर ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि वो रिलेशनशिप में है, लेकिन अक्सर इनको साथ में स्पॉट किया गया और रिलेशनशिप की खबरें आई। दिशा पाटनी ने भी कन्फर्म किया और उन्होंने कहा कि टाइगर को उन्होंने हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन टाइगर इम्प्रेस नहीं हो पाए और खींचते तानते आखिर ये रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। टाइगर ने हाल ही में कहा वो बिल्कुल सिंगल है। दोस्तों, देखना होगा आने वाले टाइम पर कि टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्मों से मचा पाएंगे धमाल और एक बार फिर से टाइगर क्या अपनी फीस को बढ़ा पाएंगे। आपको इस बारे में क्या लगता है, कितना इंतजार है गणपत का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को।